खत्म भी हो गई दोस्तों यार. So I am the student of BA class. Apple. आज मैं पढ़ूंगा A for apple. So Arjun's college का सबसे शरीफ बच्चा लग रहा है मेरे को. So Arjun's. Oh my good morning. आपको पता आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट दिन और मैं इतना लेट हो गया. आपको पता मैं सपने में था. एक्चुअली मैं सपने में तो क्या देख रहा था, जैसे हम स्कूल नहीं जाते थे तो डरते नहीं थे कि यार हमें स्कूल जाने में टीचर मार पड़ेगी. और मुझे डर इस बात का है क्योंकि मैंने कॉलेज कब खुल गए थे और मैं आज जा रहा हूँ इतने दिनों बाद, तो मेरे साथ कुछ ना हो, सीन हो जाए, मुझे टीचर वीचर डांटे ना हो पे. तो मैं फटाफट ब्रश व्रश करके आ गया हूँ. और मम्मी ने ना बच्चों की तरह खाना दे रखा, ये नहीं होता था दलिया, और दलिया खाऊंगा आज. फटाफट जाता हूँ, उसमें ना गर्म दूध डाल देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ. आर्टियंस स्वार्थ से मैं स्टार्ट करता हूँ. वेलकम टू माई वीडियो व्लॉग. स्वार्थ मुझे बहुत डर लग रही है, मेरा फर्स्ट डे कॉलेज में कैसा सा ही होगा. तो थोड़ी शर्म भी आती है ना, थोड़ा फर्स्ट डे होता ही है. तो मैं फटाफट इसको गर्म करता हूँ, मतलब मैं फटाफट इसको खाता हूँ यार. सो आर्टियंस मैंने फटाफट खाना वाना डन कर दिया. तो आर्टियंस कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सिंपल सा ये जैकेट पहनूं, और ये पैंट है मेरे पास, तो मैं फटाफट रेडी होता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ. ओके 1 2 3. सो आर्टियंस फाइनली मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ. एकदम डिसेंट सा बच्चा बनकर जा रहा हूँ, लाइक क्यूट सा. अभी बाल को बनाने के लिए टाइम नहीं क्योंकि 11:30 हो गया और हमें 11 बजे का क्लासेस था. फटाफट भक्ता उनके चलता हूँ. मम्मी बाय यार, मम्मी मुझे शर्म आ रही है. चलो आर्टियंस चलते बनते हैं, पहला दिन कॉलेज का. एकदम पोलाइट बच्चा बन के चलो. जूते कैसे लग रहे मेरे? फुटबॉल के होंगे. आर्टियंस देखो कितने सेक्सी जूते पहन के. मैं ना डिसेंट सा सेक्सी सा बन के आ रहा हूँ ना, मस्त सा सेक्सी नहीं मतलब प्यारा सा बन के आ रहा हूँ. आपका होल लुक वही कॉलेज में दिखाऊंगा, ठीक है? बाय. ऐसे हम निकल पड़े कॉलेज के लिए. भाई साहब ये अंकल जी इतने खतरनाक प्रो है, यहाँ देखो यहाँ देखो, रुक नहीं सकते. लेकिन लाना उन्हें ढलान नहीं है, पर मैं भी प्रो प्लेयर हूँ, मैंने निकाली थी फाइनली. तो कॉलेज की रोड आ गई, मेरे को शर्म आ रहा था. सब लोग जैसे एंटर होते तो होता है ना थोड़ा अजीब सा यार, सब हमें देखेंगे, होता है फर्स्ट टाइम यार, होता है, आपके साथ भी होता होगा. तो क्यों ना मैं पहुँच गया. अब मेरा मुंडा देखो छोटा सा हो गया होगा ना, मेरे को शर्म आ गई. बट कोई नहीं, मैं चलता हूँ अंदर की तरफ, डब्बू भैया को ढूंढता हूँ क्योंकि मेरे पास ना मेरा क्या बोलते हैं उसको कुछ होता है, मतलब अंदर क्लासेस के अंदर एडमिट कार्ड नहीं है मेरे पास. तो अबे बुद्धू आइडेंटिटी कार्ड. सब लोग कॉलेज के अंदर बाहर कर रहे थे, लेकिन मेरी तो बैंड बज रही थी. चलते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा सा है ना. और मुझे ये नहीं पता मेरी क्लासेस कहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे ऐसा जो मुझे बताएगा मेरी क्लासेस कहाँ पे है. तो अब जस्ट जा रहा हूँ मैं, और मैं शर्म आ रही हूँ बस. अभी बनाता हूँ देखो दोस्त, आज क्लासेस का पता ही नहीं चल रहा मेरे को यार. मैं ऐसे कॉलेज में नहीं निकाल सकता हूँ ना. बट हाय सुनो, यहाँ पे बी ए क्लासेस यहाँ पे. हाँ बिल्कुल. हाय 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 यार, यहाँ पे टीचर वीचर तो नहीं आते, मान मत खिलाना तुम मेरे को उनसे. थैंक यू यार, थैंक यू गाइस. अब तुम मुझे बताओ बीए क्लासेस कहाँ पे यार? बीए क्लासेस खत्म भी हो गई. खत्म भी हो गई? अब कौन सा सब्जेक्ट है? मेरे पेंटिंग वगैरह. हाँ आप ना मेरा नंबर ले लो, एक काम करो, लाओ मैं टाइप कर देता हूँ, नहीं तो सब देख लेंगे. तुम मुझे भेजते रहना ठीक है चीज़ों के बारे में. कॉलेज के थोड़े शैतान बच्चे भी हैं, देख रहे हैं आप? अभी भी ये ग्रुप वाले हो यार. आर्टियंस यहाँ पे तो क्लासेस ही ओवर हो गई है, मैं अब पूछ रहा हूँ. चलो सो आर्टियंस इनका एक महीना हो गया तुम्हारा फर्स्ट डे का. मैं एक महीने से ही नहीं आया मतलब कॉलेज में, पहले दिन आज आ रहा हूँ. वाओ. मैंने अपने साथी भैया को बुला दिया. थैंक यू भैया आने के लिए यार, थैंक यू. अब चलो भैया मेरे साथ कॉलेज आ रहे हो. नन्न क्यों यार प्लीज, मेरे को नहीं तो शर्म आ रही है. ये भैया हरे पीले बन के आ रहे ना पूरे कॉलेज में, इनको देख के यहीं बैठ रहा बाहर पे, और हंसने पे लगा मेरा भैया का अन स्टाइल देखो तुम जरा. ओहो भैया ऐसे कर दो, ये कर दो.
राम। अच्छा तो ये कुछ है ऐसा। तो आज दिन सारे बच्चे तो यहाँ बैठे हैं। ओके मैं दिखाता हूँ, मुझे शर्म आ रही है, अभी बंद करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, अब मैं तुम्हें अपना कॉलेज के सारे बच्चे दिखाता देखो है। देखो है ये, देखो ये सब तो मस्त बैठे हैं, लेकिन रोहित भैया का देखो। चल माता ने अच्छी भयंकर की भीड़ लगी है। भैया देख लो अभी आप क्या बोल रहे थे, बोलो भैया बताओ क्या बोल रहे थे। जल्दी जल्दी आ कॉलेज की, यहाँ पे ना मस्त मस्त लड़कियाँ हैं की। मैंने भी वो है अंदर आ रहा है। बोल रहे थे ना आप अभी ऐसा। स्वार्टियंस कॉलेज का सबसे शरीफ बच्चा लग रहा है मेरे को ये। अभी हम लिफ्ट से जा रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं था कॉलेज में लिफ्ट भी है करके, तो हम सब जा रहे हैं। मुझे उल्टी होती लिफ्ट में। बस थोड़ी ना जो आपको लिफ्ट में उल्टी होगी भैया। टीचर है टीचर। अबे ये तो सब इतना बड़ा ताला, अबे ये खुला है ना साइड से, चल रहे पता नहीं हम क्यों छत में जा रहे हैं। एक बीए क्लास है ना, अब कौन है यहाँ पे क्लासेस चल रही है। सो आर्टियंस ये क्लासेस हैं। एप्पल आज मैं पढ़ूंगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। सो आर्टियंस चलो लिख लो। भाई मुझे उल्टी भी होती है। भाई ये क्या कहते हैं, ये क्लास है कबाड़ खाना। ये तो ये क्या है, ये लो आते हैं हम दोबारा कहाँ गए भगवान। पूरे कॉलेज में चारों चीजें इतनी मस्ती कर रहे, पता नहीं आते हैं हम यहाँ पे क्या ही जो कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्लासेस नहीं चल रही है मेरी, बंद हो गई, जब जाना था मैं वहाँ गया नहीं, तो यहीं पे तो घूमूंगा। अब फाइनली मैं जा रहा हूँ मेरी जहाँ क्लासेस होती है और होंगी। अब देखो है कहाँ पे मेरी क्लासेस। अच्छा ये है LT3 LT कुछ क्लासेस चल रही है। तो ये है मेरी क्लास। अच्छा सो आई एम द स्टूडेंट ऑफ बी ए क्लास। अभी टीचर नहीं आए, जब टीचर आएंगे तब देखते हैं। तो ये है मेरे क्लास के कुछ बच्चे, ये तो मेरे से बात करने नहीं आए ना, तो मैंने सोचा मैं ही चले जाता हूं। Say hi to my vlog यार। ये बच्चे वेस्ट बंगाल से आ रखे हैं यहाँ पे। और देखो भाई सबसे पढ़ाकू बच्चा ही पूरे यूनिवर्सिटी मुझे ये लगे, देखो बैठे बैठे पढ़ रही है। चलो यार भाई भाई साहब, अब तो ये पढ़ा खुद बच्चे ही मुझे पढ़ाएगी जब भी खाली क्लास होगी, मैं तो दोस्ती बना के भी आ गया उससे। आर्टियन देखो मेरा इंग्लिश क्लास था वो कैंसिल हो गया, कुछ ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी मेरा है नहीं, तो अभी मैं कैंटीन के साइड ही जा रहा हूँ, साइड चल के बनता है फिर देखेगा क्या क्या हो रहा है। वैसे बढ़िया है यार कॉलेज के बच्चे, बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे साथ के बच्चे मिले, अब ये मुझे बता रहे हैं क्या क्या आएगा समथिंग समथिंग करके, अब देखते हैं। थैंक यू यार, तुम मेरे दोस्त हो यार। हाँ तो मिला फिर। आज मैंने तुम्हें वहीं मिला लिया था है ना, गले तो लगा, गले में मिला दिया था, बाय बोल दे फिर, बाय में भी साथ में ही रहेंगे। तेरा भाई आ गया पीछे से। हाँ भैया देखो ट्रिपिंग कर रहे हैं, पता नहीं कॉलेज क्यों आ रहे हैं। देखो है ये देखो मेंटल चला गया। सो तुम इसे देख रहे हो, ये बोल रहा था घर जाके पढ़ेगा और यहीं पे सो रहा है ऐसे, ये बता अभी ऐसे कह रहा था, ऐसे कुछ कर रहा था तू, सभी करते तू तो घर जाके पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला मतलब सोने वाला, पढ़ने वाला मतलब सोने। तो सो ऑडियंस इन भाई साहब की बायो और इनकी ड्रॉइंग देखो, पूरी रोड़े में खत्म ना। चल यार मैं ज्यादा फन कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा है। सारे कॉलेज के बच्चे पल के बाहर आ रहे हैं और हाँ, मैं तो पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। मस्ती मजाक बहुत हो गया, मैं एक बार दोबारा राउंड मार के आ रहा हूँ, मैं सबको
पता करके आता हूँ, क्योंकि कल से मैं शायद रेगुलर आऊँ उसके बाद, तो चलते बनते पढ़ाई भी कर लूँगा थोड़ी। मैंने सब्जेक्ट सब पूछ लिए हैं, नंबर वंबर दे दिया है 2-3 लड़कियों को, अब वो मुझे बताती रहेंगी, कल मुझे आना है कॉलेज, तो चलते बनते हैं हम यहाँ क्या करेंगे, तो लेट्स गो। तो मस्त धूप सेक रहे हैं यार, मस्त। मैं तो घर जा रहा हूँ यार, अब घर जाता हूँ, मम्मी ने खाना बना लिया होगा मेरी, मस्त दाल भात खाऊंगा और क्या। जैसी आया था वैसी वापस जा रहा हूँ यार मैं। तो चलो आर्टियंस, बाय बाय भैजी। तो आर्टियंस चलो सीधे घर, वक्त है। वेयर इज द स्कूटी? स्कूटी कहाँ है भैजी? तो आर्टियंस फाइनली मैं घर पहुंच गया। देखो मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा हो रखा है, देखो मैं छन्नू बोल रही, मेरी बच्चों को मत छेड़ो। और भाई कैसे हो तुम? ओए ओए चलो यार, ये इंटरेस्टेड नहीं है मेरे से बात करने में, चलो मम्मी को बता दो कैसा रहा कॉलेज का दिन। मम्मी तो हंस हंस के पागल हो जाने। मम्मी ने आर्टियंस, मम्मी मेरा कॉलेज पूछ कैसे हुआ? कॉलेज में कैसे? जैसी मैं गया वहाँ बोल रही कि क्लासेस खत्म हो गई कि फिर मैं झंडू हो गया। फिर बताते हैं कि तुम्हें तो एक महीने पहले से कॉलेज खुल गया था, मुझे अब पता चल रहा है। देखे डब्बू भैया कितने गंदे बताते नहीं मेरे को। सो ये सब हुआ, और फिर कल जाऊंगा क्लासेस लेने मस्त। सो आर्टियंस देखो एक बार ही क्या हुआ था, जब पिछली बार मैं कॉलेज किया था ना अपने एडमिशन करवा था, उसके बाद हम तुरंत गाँव गए थे, लेकिन आज ना उसका अपोजिट ही हो रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते। तो चलते बनते मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, तो गेस्ट लगाओ तब तक, ठीक है? आर्टियंस मैं ना आपको दादी से मिलाने आया था, और दादी यहाँ नहीं है, मतलब दादी चाची लोग यहाँ रखी है ना। दादी अबे यार कहाँ बंदर पुलिस ले जाएगी यार, ताई जी के यहाँ चलेगी दादी, वहाँ तो बहुत दूर है। अच्छा गई पुलिस, मैंने ऐसे क्या काम किया कि मुझे पुलिस ले जा रही है। सो आर्टियंस दादी तो नहीं मिली, पर लंगूर भैया को देख लो, इसका स्टाइल यही रहेगा हमेशा। मैं घर पहुंच गया था आज, इतना थकावा वाला दिन था, लाइक आईज मेरा बहुत पेन हो रहा है, अभी मुझे एडिटिंग में भी बैठना है, शायद कल मैं पोस्ट करूँ ये व्लॉग। तो तब तक ले सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आर्टियंस। मैं दूध पी रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा आज खाना, मन नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं सीधा सो रहा हूँ। बाय बाय, लव यू आर्टियंस, गुड नाइट।